Hello students, welcome to Unacademy Studios Bridge. Good morning. तो आपने questions बनाए on voltage regulator. तो हमने last class में use किया था Jenner diode का और number of questions बनाए थे on voltage regulator. This topic is very very important for electronics, electrical and instrumentation branch, right? तो इससे हम समझते हैं कि आप AC को purely DC में कैसे convert करते हैं. लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे. ओके, तो आपने जरूर देखा होगा पेन कॉपी कैलकुलेटर लेकर अगर बैठ रहे हैं तो ये सभी टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं. मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, जितने भी आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे टॉप लेवल का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हो, गेट हो, चाहे SSC JEE जो भी हो, इन सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं और आपसे यू बनेगा बिल्कुल इजी तरीके से. लेकिन आपको करनी होगी प्रैक्टिस. ओके, और वीडियो 5 या 10 मिनट तक वॉच करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा. शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए. अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, हम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चला रहे हैं, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, डिटेल समझ में आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा और साथ में समझ में आएगा शॉर्टकट कि कैसे किसी क्वेश्चन को डील किया जाता है विद एक्यूरेसी. ओके, तो ये था कल. होप सो आपका चिल्ड्रंस डे बड़ा अच्छा रहा होगा. तो जिन बच्चों को मैं चिल्ड्रंस डे की बधाई देने वाला हूं ना, वो आप बच्चे हैं. यस, टीचर की नजर में हमेशा वो बच्चे ही होते हैं. नो डाउट आप 21 से ऊपर हो गए होंगे, 22 होगा, 25 होगा एंड सो ऑन. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उम्र आपका बचपन छीन सकती है लेकिन बचपना नहीं. इज इट क्लियर? तो आप अपने बचपनपन को बना के रखिए और उसी तरीके से सीखते रहिए चीजों को. पूरी उम्र हम सीखते रहते हैं तो सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है, राइट? तो आप कंटेंट लीजिए, मैं भी आपसे सीख रहा हूं. देखिए, मैं अभी आपसे वर्चुअल मीडियम से कॉन्टेक्ट कर रहा हूं, ये मेरे लिए भी नया है. ओके, आप मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने कौन है? कैमरा, राइट? तो आप भी गेन कीजिए, हम और आपको कंटेंट देते जाएंगे. बने रहिए और पूरे जोश के साथ लग जाइए कि इस बार हमें एग्जाम निकालना ही है, राइट? टॉप करना है, सभी निगेटिविटी दूर हटा दीजिए. ओके, टेक्निकल नॉलेज में कमांड करना है, हमें अपना घर मजबूत करना है, राइट? जब भी आपको कमजोरी होती है या कुछ आपको वीकनेस लगती है या बीमार होते हो या मेंटली आप थोड़ा परेशान होते हो तो आप कहां जाना चाहते हो? कहां आपको सुकून मिलता है ये बताइए. सुकून मिलता है अपने घर में, राइट? घर में जाने के बाद पेरेंट्स के बीच में. सिमिलरली जो आपकी ब्रांच है ना, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल है, सिविल ब्रांच है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, चाहे जिस भी ब्रांच के हो, 4 साल आपने उस ब्रांच में बिताया है या बिताना है, राइट? तो अगर आपका ये घर है या आपकी ब्रांच है या आपकी आइडेंटिटी है, अब इसके बाद हर किसी को बताओगे कि आपने इंजीनियरिंग इस पर्टिकुलर ब्रांच में की है, यह आपकी आइडेंटिटी बन गई. और आपकी आइडेंटिटी को तगड़ा बनाना है तो आपको कमांड करनी होगी अपने सब्जेक्ट्स में. ओके, आपको अपना घर मजबूत करना होगा, भले बाद में आप कैंपस प्लेसमेंट में जाइए, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाइए, चाहे बैंकिंग में जाओ, चाहे आप MBA कीजिए. कभी भी आपको अगर तकलीफ आई जिंदगी में, कभी भी, जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो 20 22 25 साल के हो, 70 साल तक जीना है, राइट? तो 70 में से 25 घटा दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अभी 55 साल की उम्र और बची है एक्टिव लाइफ की. तो उन 55 सालों में जब भी आपको तकलीफ होगी तो आपको अपने घर में आना होगा और आपका घर है आपकी ब्रांच, इसीलिए आप अपनी ब्रांच में फुल कमांड कीजिए, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं, अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़िए, उसमें कमांड कीजिए. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो साइड इफेक्ट में निकला करते हैं, ठीक है ना? अगर आप एग्जाम के पीछे भागोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा. इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो. आज देखने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द वोल्टेज रेगुलेटर बाई यूजिंग BJT. इस टॉपिक में आपको समझ में आएगा वॉट आर द लिमिटेशंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर विद जेनर डायोड. जेनर डायोड में ऐसी क्या कमी है, जो हमने सिंगल जेनर डायोड लगाया था उसमें क्या कमी है कि हमें वोल्टेज रेगुलेटर बनाना पड़ा बाय BJT. उसके बावजूद भी हमने 2 तरीके से BJT लगाया, एक पैरेलल में और एक सीरीज में.
तो यहां पर दो वोल्टेज रेगुलेटर है, वन इज द सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एंड वन इज व्हाट शंट वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग बीजेटी एंड व्हाट जेनर डायोड तो हर सर्किट में रहेगा, ओके okay? उसके बिना आप वोल्टेज रेगुलेटर नहीं बना सकते, तो वो है ब्रेकडाउन डायोड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, मायसेल्फ संजय राठी, एक्स आई एस, आई एम हैविंग 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स राइट लाइक इसरो, DRDO एंड सो ऑन। देन आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com एट द रेट ऑफ संजय के आर राठी 27। तो आपने अगर मेरे रेगुलर वीडियोस किए होंगे तो इतने दिन में आपको समझ में आया होगा राइट कि कैसे क्लासेस चल रही हैं, सर क्या बोलना चाहते हैं, क्या कंसेप्ट है एंड सो ऑन। तो आप अब भिड़ जाइए, अभी तक जज करना हो गया होगा कंटेंट कैसा चल रहा है। एक क्लास, दो क्लास, अभी भी आप पहली क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे पूरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। नेटवर्क है, एनालॉग है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वीडियोस अवेलेबल है, अभी रेक्टिफायर और डायोड सर्किट चल रहे हैं, साथ में माइक्रो प्रोसेसर के भी पूरे वीडियोस अवेलेबल है, ओके okay, आप अपनी तैयारी हमारे साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हमारी टीम में सिग्नल एंड सिस्टम की भी क्लासेस चल रही हैं, मशीन की भी क्लासेस होंगी और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, बस आप थोड़ा टाइम बिताइए, ठीक है। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट, मेरी क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर भी अवेलेबल हैं, अभी चल रही हैं एनालॉग की क्लासेस राइट। आप इस अनअकैडमी प्लस पर मुझे वॉच कर सकते हैं। अगर आप इसका डेमो लेना चाहते हैं तो अभी स्पेशल क्लासेस आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली कल होगी 12 बजे, आप इनरोल करवाइए, रजिस्ट्रेशन लीजिए वहां पर और एक स्पेशल क्लासेस कीजिए, वो डेमो क्लास है राइट, दैट इज व्हाट डेमो क्लास। आप वहां देख सकते हैं कि लाइव सेशन कैसे अरेंज होता है, कैसे क्लासेस में आप डाउट पूछ सकते हो ओके okay? और रियल टाइम में इंटरेक्शन कर सकते हो विद एडुकेटर्स राइट। तो आपको और कोई भी डाउट है तो आप अनअकैडमी प्लस से डिटेल ले सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9899400096 पर फॉर स्पेशल क्लासेस राइट। दिस इज टोटली फ्री, बस आपको अपने मोबाइल पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहां रजिस्ट्रेशन करना है, या आप लैपटॉप पर देख रहे हैं तो unacademy.com पर जाइए, वहां जाइए प्लस कोर्सेज में और वहां आपको मिलेंगी स्पेशल क्लासेस, वहां सर्च कीजिए संजय राठी, आपको मिलेंगी और वहां क्लास आप अटेंड कर सकते हो ओके okay? और ये टोटली फ्री है। वहां मैं एक टॉपिक कवर करूंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एंड दैट इज MOSFET, ठीक है ना, FET, दैट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आप भी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन है वाई अनअकैडमी प्लस, आप अगर वहां एक सब्सक्रिप्शन के लिए लेंगे तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, सभी टीचर्स के आप वीडियोस देख सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे टू इंक्रीज द योर स्कोर दैट इज फ्रॉम द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज। दिस टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट, PSU, इसरो, DRDO, लगातार एग्जाम आने वाले हैं और ये टिप्स एंड ट्रिक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का क्यों ना हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज होगा बाय टॉप एडुकेटर्स, यहां से हम जज करेंगे आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और फिर वर्क करेंगे आपकी वीकनेसेस पर ओके okay? क्योंकि स्ट्रांग पॉइंट तो आपको भी पता है आपके क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, कॉम्पिटिशन है बहुत राइट, थ्रोट कट कॉम्पिटिशन जिसे बोलते हैं, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा ओके okay? ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयार करना है तो आपको हर चीज अपने पास रखनी पड़ेगी। तो यहां है डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, जबरदस्त डाउट्स क्लियर किया जाएंगे विद कंसेप्ट, क्यों आया, कैसे आया डाउट और आइंदा दोबारा ये डाउट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारे डाउट से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। डाउनलोडेबल सेशंस हैं, वीडियोस एंड PDFs, रियल टाइम इंटरेक्शन जैसा मैंने पहले बताया, इसको आप स्पेशल क्लासेस के थ्रू जज कीजिए। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको सजेस्ट कर रहा हूं, दिस क्लासेस आर टोटली फ्री, तो आप स्पेशल क्लासेस में देख सकते हैं राइट right?
वॉच कर सकते हैं लैपटॉप में, आप देखेंगे कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। आप एक घंटा निकालिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसमें भी हम मॉस्फेट के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे कैसे मॉस्फेट वर्क करता है। ओके, तो आप आइए और उसके बारे में पता कीजिए। अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने का प्लान कर रहे हैं तो यूज माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट। देन ये हैं एडुकेटर्स जो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, इन्हें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस जैसा मैंने पहले बताया। नाउ इट इज़ द इजिएस्ट वे टू लर्न गेट ऑनलाइन, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल एंड मैनी मोर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। बहुत सारे क्विजेज हैं, आप बार बार वो क्विज दे सकते हैं, बार बार वीडियोज देख सकते हैं। अगर आप इसे लैपटॉप पर देखेंगे जैसा मैंने पहले कहा, अभी आप स्पेशल क्लास में अब भी चाहिए, अब भी रजिस्ट्रेशन कीजिए वहां। तो यहां आपको एडुकेटर दिखाई देंगे, यहां आपको कंटेंट दिखाई देगा, यहां आप लाइव चैट कर सकते हैं। एक हिंदी में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी के, ठीक है ना, इसका मतलब है सीधा सीधा आप रुकिए मत, फटाफट आप डेमो देखिए, पसंद आता है कंटिन्यू कीजिए। देखने से चीजें ज्यादा समझ में आएगी, सुनने से थोड़ा हो सकता है आपको डाउट क्रिएट हो जाए, लेकिन इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मैंने खुद यूज किया, अब इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे लगा था कि ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता ये, राइट, लेकिन वाकई जो बच्चा रिमोट एरियाज में है, जो हमारे तक नहीं आ पा रहा है, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, हम उनको अपना पूरा कंटेंट दे पा रहे हैं और उनके डाउट्स को क्लियर कर पा रहे हैं, राइट। तो मैं भी बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि अच्छी चल रही है क्लासेस वहां। Then चैट विद द एडुकेटर्स, इंटरेक्टिव पोल्स में पार्टिसिपेट कीजिए, लर्न एनी टाइम एंड एनी वेयर। गेट सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months एंड 24 months। अभी अगर आप रिविजन के मूड में, तो पहले तो आप स्पेशल क्लासेस कीजिए, वहां जज कीजिए और लगता है कि यहाँ पर यूजफुल क्लासेस है, सभी अवेलेबल है, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, EMFT, ऑल क्लासेस आर अवेलेबल। 3 महीने में भी आप रिवाइज कर सकते हो, दैट इज नवंबर, दिसंबर एंड व्हाट, जनवरी। तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इट विल कॉस्ट अराउंड 4,000 rupees पर मंथ ओनली, एंड फॉर 1 month इट इज 5,000 ओनली। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग प्लान कर रहे हैं तो आप 12 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं, 24 मंथ्स के लिए भी। तो 12 मंथ्स के लिए फी है 25,000, 24 मंथ्स के लिए है 40,000। यूज माई कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट, राइट। तो ये है फॉर 1 year। आप इसे मोबाइल पर भी लर्न कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां आप सब्सक्रिप्शन लीजिए गेट में और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए विद इंडियाज बेस्ट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। ओके, तो इससे अच्छा पुल आपको नहीं मिलेगा। और देखिए, इंडिविजुअल टीचर अच्छा रिजल्ट ला सकता है, राइट, लेकिन टीम ज्यादा अच्छा वर्क करती है। यहां बहुत ही बढ़िया टीचर्स की टीम अवेलेबल है, इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात यह है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज द वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग BJT। ओके, होप सो आपने इससे पहले के वीडियोस देखे होंगे, वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटर, व्हाट इज द लाइन वेरिएशन, व्हाट इज द लोड वेरिएशन, इज इट क्लियर। तो लाइन वेरिएशन, लोड वेरिएशन, फिर दो रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन एंड व्हाट, लोड रेगुलेशन। आज हम थ्योरी देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर और हम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, तीनों ब्रांच से हम क्वेश्चन लाएंगे और साथ में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हमने देखा था जेनर डायोड के साथ, तो ये है वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग जेनर डायोड। यहां हमने लगाया था लोड, यहां है RS और यहां है VI, राइट। तो जब हम इसके बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल डिटेल में जाते हैं, जिसके अभी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, देर आर 2 types ऑफ रेगुलेशन, 1 इज व्हाट, लाइन रेगुलेशन, एंड 1 इज कॉल्ड लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन रेगुलेशन, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देखते हैं
लाइन रेगुलेशन का मतलब क्या है? यहां दो चीजें वैरी कर रही है, एक वीआई वैरी कर रहा है, एक आरएल वैरी कर रहा है। वीआई के कारण भी वीनॉट में चेंज होता है और आरएल के कारण भी वीनॉट में चेंज होता है। ये वीआई भी चेंज होगा और वीनॉट भी, आरएल भी चेंज हो रहा है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तब जब हम आरएल को कांस्टेंट, क्योंकि देखो एट अ टाइम हमें एक चीज को अगर कंसीडर करना है ना, तो हम लोगों को दूसरी चीज को थोड़ी देर के लिए मानना पड़ता है कि लो चलो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, प्रॉब्लम आती है तो एक को हटाओ, एक एक पे फोकस करो। तो एक एक पे फोकस करना है, तो जब हम वीआई को लेते हैं तो वीआई वेरी कर रहा है, लेट आरएल इज कांस्टेंट, आरएल कांस्टेंट, राइट। आरएल को कांस्टेंट मानते हुए और हम चाहते हैं वी नॉट शुड रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, तो इसे बोला जाता है लाइन रेगुलेशन। व्हाट इज दिस लाइन रेगुलेशन? सेकेंड होता है, लेकिन लाइन रेगुलेशन को मैं थोड़ा और एलिबरेट कर दूं, इसको एक मिनट हटाते हैं। वीआई वेरी कर रहा है, लेट आरएल रिमेन, आरएल कांस्टेंट है और वी नॉट को आपको कांस्टेंट रखना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल सिंपल तरीके से, यहां से करंट जा रहा है आई, यहां से जा रहा है आई जेड और यहां है आई एल। तो जैसे ही आप यहां जानते हो व्हाट इज द आई वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर एस, मैंने कहा था फॉर फुल रेंज ऑफ वी आई एंड आर एल द जेनर डायोड शुड बी इन ब्रेकडाउन रीजन। तो आई हो गया वी आई माइनस वी जेड अपॉन आर एस, ओके। तब हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे वी आई इंक्रीज होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे वी आई इंक्रीज होगा आई इंक्रीज होगा, राइट। वी आई इंक्रीज हो रहा है तो आई इंक्रीज हो रहा है, और अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट अबाउट द आई एल? आई एल इज कॉन्स्टेंट, वाई? बिकॉज दिस वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, वी नॉट इज कॉन्स्टेंट, आर एल इज कॉन्स्टेंट, तो व्हाट इज द आई एल? वी नॉट अपॉन आर एल, दैट इज नथिंग बट वी जेड अपॉन आर एल, ये कॉन्स्टेंट है। तो जितना भी एक्सेस करंट आ रहा है आई, तो वी आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, तो आपका क्या बढ़ेगा? आई जेड बढ़ेगा, आई जेड इंक्रीजेज, आई एल रिमेन कॉन्स्टेंट, आई एल रिमेन कॉन्स्टेंट। और अगर आई एल कॉन्स्टेंट है, अगर यहां बढ़ नहीं रहा है, आर एल कॉन्स्टेंट है, एंड देयर फोर वी नॉट इज इक्वल टू आई एल आर एल रिमेन कॉन्स्टेंट। अब मैं जो बात बताना चाहता हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर? टू मेंटेन वी नॉट कॉन्स्टेंट, वी नॉट मीन्स आउटपुट कॉन्स्टेंट अगेंस्ट वेरिएशन इन वी आई, अगेंस्ट वेरिएशन इन व्हाट? आर एल। अभी हमने आर एल को कॉन्स्टेंट मान लिया है, वीआई को वेरी कर रहा है और हम चाहते हैं वी नॉट कॉन्स्टेंट रहे। ये तो एक बड़ी बात हो गई कि अल्टीमेटली वी नॉट को कॉन्स्टेंट रखना है, लेकिन वी नॉट कॉन्स्टेंट कैसे रहेगा? आर एल कॉन्स्टेंट है, अब किसी तरीके से इस वीआई के बढ़ने से जो आई बढ़ रहा है ना, तो आई बढ़ने से आई जेड भी बढ़ता। अगर ये नहीं होता, मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप जनरल डायोड को यहां से हटा दीजिए, तो आई बढ़ता तो आई एल बढ़ता, डेफिनेटली वी नॉट चेंज हो जाता। होता कि नहीं होता? आप हटा कर देखिए जनरल डायोड को, राइट, विजुलाइज कीजिए, ये देखिए हटाइए, राइट, आई बढ़ता, आई एल बढ़ता और वी नॉट डेफिनेटली चेंज हो जाता, ओके। तो विजुलाइज अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपने विजन को भी बढ़ाइए, ठीक है ना। ये आर एस, अगर मान लो यहां जनरल डायोड नहीं होता, मैं वी आई को बढ़ाता, तो बताइए आई तो क्या होता? आई एल बढ़ता जाता करंट, और आई एल बढ़ता तो डेफिनेटली वी नॉट भी बढ़ जाता। लेकिन इसकी खास बात है, यहां ये कांस्टेंट मेंटेन रखेगा, इसलिए जितना करंट आएगा, जितना भी करंट आएगा, वो जनरल डायोड से बाईपास कर जाएगा और आई एल कांस्टेंट रहेगा। तो आपको पता है क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय लाइन रेगुलेशन? तो लाइन रेगुलेशन का मतलब है वी आई वेरी कर रहा है बट आर एल आई एल रिमेन कॉन्स्टेंट, आई एल रिमेन कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ लाइन रेगुलेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आई जब भी वेरी करे तो आई एल कॉन्स्टेंट। तो आप बोलोगे सर अल्टीमेटली तो वी नॉट को कॉन्स्टेंट रखना, यस, अरे तो आर एल कॉन्स्टेंट है, और अगर आई एल कॉन्स्टेंट रहेगा तो आई एल इंटू आर एल प्रोडक्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ लाइन रेगुलेशन? वी आई वेरी बट आई एल रिमेन कॉन्स्टेंट। जब ये स्टेटमेंट आता है तो लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों। अब आप समझ गए
क्योंकि आरएल तो कांस्टेंट है, तो आपका मेन पर्पस है आईएल को कांस्टेंट रखना, जितना भी एक्स्ट्रा करंट आया जेनर डायोड से बाईपास कर जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जेनर डायोड से कितना बाईपास करोगे? पता चला आप बढ़ाए जा रहे हो, वीआई बढ़ाए जा रहे हो और आईजेड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आईजेड बढ़ता जाएगा तो थोड़ी देर बाद पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगा और पावर डिसिपेशन बढ़ाने की जेनर डायोड जल गया। इसका मतलब आप एक लिमिट से ज़्यादा वीआई को नहीं बढ़ा सकते, राइट? और एक लिमिट से कम वीआई को कम भी नहीं कर सकते। अगर आप वीआई को कम करोगे तो आईएल विल रिमेन कांस्टेंट, आईजेड ही कम होता है। दोनों में वीआई अगर बढ़ाओगे तो आईजेड बढ़ता है, वीआई कम करोगे तो आईजेड कम होता है, आईएल रिमेन कांस्टेंट। अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा कम किया तो आईजेड कम होते होते उसके नी करंट से कम हो जाएगा, और अगर नी करंट से कम हुआ तो डायोड ब्रेकडाउन से बाहर आ जाएगा। इससे पहले की क्लास में मैंने बताया है, अगर आप प्रॉपर फंक्शन चाहते हो तो जेनर डायोड शुड रिमेन इन ब्रेकडाउन रीजन। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस सर्किट? इट इज नॉट यूजफुल फॉर हाई लाइन वेरिएशन। अगर आपका लाइन वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये काम नहीं आएगा, राइट? बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये सर्किट काम नहीं करेगा, क्योंकि जो वेरिएशन इसको झेलना है ना आईजेड जेनर डायोड को, दैट इज लिमिटेड। दैट इज व्हाट लिमिटेड। तो यहां आपको मैंने कर्व बना कर दिया था जेनर डायोड का, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नथिंग बट आईजेड के। इससे नीचे जाएगा तो जेनर डायोड ब्रेकडाउन से बाहर आ जाएगा, और दिस इज नथिंग बट आईजेड मैक्सिमम। और अगर इससे ज्यादा गया करंट तो जेनर डायोड बर्न कर सकता है, डैमेज हो सकता है। तो क्या हमें समझ आया? इतनी ही रेंज है जितनी हम जेनर डायोड के अक्रॉस वेरी कर सकते हैं डेल आई जेड, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई दिस सर्किट इज नॉट प्रिफरेबल फॉर हाई लाइन वेरिएशन। लिखवाने आप लिख रहे हो, मैं देख रहा हूँ आपको, भले मैं कैमरे में देख रहा हूँ, मैं 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ, जब तक उनको बोलो नहीं बच्चों को, तो नोट कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन कॉपी में तुरंत नोट करो। इट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर हाई लाइन वेरिएशन, एंड दैट इज द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, गेट में आता है, और आपसे इंटरव्यू में तो डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है? क्योंकि इसकी एक लिमिट है, इससे ज्यादा आप वेरी नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट लाइन रेगुलेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लाइन रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं लोड रेगुलेशन की। लोड रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन का मतलब है, अब आपका आरएल लोड वेरी कर रहा है, लेट वीआई कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वीआई कांस्टेंट है, और हमें रखना क्या है? वी नॉट शुड रिमेन कांस्टेंट, वी नॉट शुड रिमेन कांस्टेंट, वी नॉट शुड रिमेन कांस्टेंट, अल्टीमेटली हमारा वही टारगेट है। तो पॉइंट देखिएगा इसमें क्या है, ये सर्किट है, आरएल है, ओके, एक सेकंड, दिस इज द आर एल, दिस इज द वी नॉट, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लोड वोल्टेज। यहां से जो करंट आता है दैट इज कॉल्ड लोड करंट, दिस इज द आर एस, यहां से जो करंट जा रहा है वो आई है, और यहां से जो करंट जा रहा है वो आई जेड है, यहां वी आई है। अब पॉइंट देखिए, इस बार ये वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट है वी आई। अब क्या करेगा? जब वी आई कॉन्स्टेंट है तो वॉट इज द आई? I is equal to VI minus VZ by RS. ये VZ है, ये भी कांस्टेंट है भाई, VI कांस्टेंट, VZ कांस्टेंट, RS कांस्टेंट, तो I कांस्टेंट। अब क्या होगा, जैसे ही RL बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज द वोल्टेज इज कांस्टेंट VZ, ध्यान दीजिएगा क्या कांस्टेंट है, VZ कांस्टेंट है, तो RL के अक्रॉस करंट अगर RL बढ़ा तो करंट कम होना चाहिए, सिंस आई एल इज इक्वल टू वी जेड अपॉन आर एल, और ये कांस्टेंट है और आर एल आपने बढ़ाया
तो IL कम होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब I कांस्टेंट है, यहां से जो करंट आ रहा है कांस्टेंट है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है I इज इक्वल टू IZ प्लस IL। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं, व्हाट इज द चेंज इन I इज इक्वल टू डेल IZ प्लस डेल IL, तो ये कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं चेंज जीरो इज इक्वल टू डेल IZ प्लस डेल IL, तो व्हाट इज द डेल IL इज इक्वल टू माइनस डेल IZ। या हम बोले व्हाट इज द डेल IZ इज इक्वल टू डेल IZ इज इक्वल टू माइनस डेल IL। अब पॉइंट समझिए, जैसे आपने RL को बढ़ाया, चूंकि ये कांस्टेंट है, वहां मैथमेटिकल है, यहां कंसेप्चुअल है, दोनों बात पे ध्यान देते जाइएगा। जैसे ही आपने RL बढ़ाया, चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो IL को डिक्रीज होना होगा। अब IL डिक्रीज होगा तो फिर यहां से जो करंट आ रहा है वो तो कांस्टेंट है, ये कम हो गया, तो डेफिनेटली क्या बढ़ जाएगा, IZ इंक्रीजेस, IZ इंक्रीजेस एंड द प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज द प्रोडक्ट, IL RL कांस्टेंट। सिमिलरली जब RL अगर डिक्रीज होगा, डिक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला RL डिक्रीज हुआ, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो RL के डिक्रीज होते ही IL बढ़ जाएगा, और IL अगर बढ़ गया तो IZ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहां से कांस्टेंट करंट आ रहा है, दोनों आपस में खेल रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव रिलेशन है और दोनों में चेंज बराबर है, दोनों में चेंज बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन द चेंज इज व्हाट, माइनस। माइनस का मतलब है अगर एक बढ़ रहा है तो एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ओके, देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो RL डिक्रीज हुआ, IL बढ़ा, IZ डिक्रीज हो गया, अगेन द प्रोडक्ट विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन में आप ये नहीं बोल सकते कि जब RL वेरी कर रहा है तो IL कांस्टेंट है, नो। लाइन रेगुलेशन में आपने जरूर बोला था लोड करंट शुड रिमेन कांस्टेंट, यहां पे आप लोड करंट अगर कांस्टेंट रखोगे तो प्रोडक्ट तो डेफिनेटली वेरी कर जाएगा, क्योंकि RL तो वेरिएबल है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड रेगुलेशन, कीवर्ड, व्हेन RL वेरी या लोड वेरी, VL, that is VL is what? IL, RL remain constant. Remain constant. तो कहने का मतलब है ना तो IL constant है ना तो RL constant है, हम बस चाहते हैं क्या constant रहे, product constant रहे। यहां load current को आप constant नहीं बोल सकते, जबकि previous question में आपने load current को, previous explanation में हमने load current को क्या बोला था, constant. This is the keyword. राइट right? तो कीवर्ड बस ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आते हैं, यही आपको इंटरव्यू में बताना होता है और आपको ऑब्जेक्टिव में भी टच करना होता है। इज इट क्लियर? तो ये है लाइन रेगुलेशन, इसकी लिमिट थी टोटल एक्स्ट्रा करंट, जो वेरिएशन आ रहा है करंट में वो किसके अक्रॉस आ रहा है, जेनर डायोड के अक्रॉस, और जो वेरिएशन है ना वो बहुत ही कम है, फ्रॉम IZ को IZ के, दैट इज नी करंट टू व्हाट, IZ मैक्सिमम, दिस वेरिएशन इज वेरी स्मॉल, and that's why this figure is not preferable for high line variation. Again, जब भी यहाँ change आता है del IL में, load current में, वो भी किस पर depend है, del IZ में, del IZ is equal to what, del IL, और del IL is equal to what, del IZ, तो ये तो limited है ना, ये limited है, तो ये भी limited है, इसका मतलब आप ज़्यादा load variation नहीं कर सकते, इसका मतलब this circuit is not preferable for what, high load variation. तो दोनों ही point आ गए, तो हम कंक्लूड कर लेते हैं, फिगर जो हमारा रेगुलर फिगर है या वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग जेनर डायोड इज नॉट प्रेफरेबल फॉर, नॉट प्रेफरेबल फॉर फर्स्ट हाई लाइन वेरिएशन, सेकेंड हाई लोड वेरिएशन, दोनों के लिए ही प्रिफरेबल नहीं है, क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ IZ, दैट इज फ्रॉम IZ मिनिमम टू व्हाट, IZ मैक्सिमम, और ये मैक्स लिमिटेड क्यों है, क्योंकि पावर डिसिपेशन कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन, VZ इनटू IZ, और अगर हम देखें व्हाट इज द IZ मैक्स,
PZ max divided by what? VZ. तो पावर डिसिपेशन रेटिंग ही कम है जनर डायोड की, जनर डायोड की ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, इसलिए IZ max लिमिटेड है और IZ max लिमिटेड है, तो रेंज लिमिटेड है और रेंज लिमिटेड है, तो ये दोनों मैंने एक्सप्लेन किया आपको, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स कीजिए, राइट कमेंट्स दीजिए, कमेंट्स से हमको समझ में आएगा आपको कितना समझ है। लेकिन आप ये मत ठानिए कि आपको समझ में ही नहीं आएगी बात, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है ना, जब आप फ्रंट पे हो सामने, तो आपके चेहरे से समझ में आ जाता है कि इस चीज को दोबारा बताना है या नहीं बताना है। लेकिन अगर आप सामने नहीं हो तो आपके पास एक और बात है कि आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर आपको रिपीट करने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो ड्यूरिंग लाइव क्लास चैट कीजिए और ड्यूरिंग आफ्टर क्लास भी आप कमेंट्स दे सकते हो, कमेंट्स देना चालू कीजिए, डाउट पूछना चालू कीजिए, रेगुलर क्लास अटेंड करना चालू कीजिए, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, डिले मत कीजिए। तो ये है इसकी लिमिटेशन। देन अब देखते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग बीजेटी। तो मैंने इसकी लिमिटेशन क्यों बताई, देखो जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने पढ़ा वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग बीजेटी, तो एक अंदर से जवाब वो आता है ना क्वेश्चन, क्यों पढ़ने की जरूरत है भाई, या जनर डायोड से ही काम नहीं चल रहा था क्या, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा क्या फालतू में ही, मतलब टाइम पास करने के लिए बना दिए? नो, वाकई हमारा काम नहीं चल रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, बनाया बाय यूजिंग बीजेटी। क्यों नहीं चल रहा था? बिकॉज देयर इज अ लिमिटेड लाइन वेरिएशन एंड लिमिटेड लोड वेरिएशन। जबकि यहाँ पे इतने वोल्टेज फ्लक्चुएशन आते हैं, इतना पूरे इंडिया में अभी भी पावर सप्लाई को बहुत इंप्रूव करना जरूरी है, तो उस वोल्टेज फ्लक्चुएशन को हटाने के लिए, उस लाइन वेरिएशन को, लोड वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो आप देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग बीजेटी, दो है इसमें, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एंड शंट वोल्टेज रेगुलेटर। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की। तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में सबसे पहले देखिए ये है, यहां लगा हुआ है आरएल, यहां ले रहे हैं हम आउटपुट, और यहां जेनर डायोड लगा हुआ है जेनर डायोड बीजेटी, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं हम लोग, ये इसका बेस टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है, राइट। उसके बाद हमने यहां लगाया है एक रजिस्टर, दिस इज आर एंड दिस इज द लोड रजिस्टर आर एल, दिस इज द सिंपल आर, और यहां हम लगाएंगे अनरेगुलेटेड वोल्टेज जो वेरी कर रहा है यू आर वी, और ये है आर वी रेगुलेटेड वोल्टेज। अब यहां जब दो चीजें आ गई, ध्यान दीजिएगा, जब दो चीजें आ गई कौन कौन सी, वी आई एंड वी नॉट, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा क्या प्रॉपर है। उस करंट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले दो बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जेनर डायोड शुड बी इन ब्रेकडाउन रीजन, शुड बी इन ब्रेकडाउन रीजन, एंड बीजेटी शुड बी इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन फॉर, ध्यान दीजिएगा कीवर्ड क्या है, फॉर फुल रेंज ऑफ वी आई एंड लोड। कितना भी लोड वेरी करे, कितना भी वी आई वेरी करे, जेनर डायोड ब्रेकडाउन से बाहर नहीं आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर जेनर डायोड ब्रेकडाउन से बाहर आ गया तो सर्किट वर्क नहीं करेगा। ओके, क्लियर है पॉइंट, तो सर्किट स्टॉप कर देगा, सर्किट कुछ तो काम करेगा, करंट वरेंट फ्लो करेगा, इसलिए तो मैंने कीवर्ड बताया था कल न्यूमेरिकल में, फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन। व्हाट इज द सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, आउटपुट रिमेन कांस्टेंट, यही तो चाहिए और क्या बना रहे, बाकी तो बहुत सारे सर्किट है हमारे पास, तो वी नॉट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज द फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन, फॉर ऑप्टिमम ऑपरेशन जेनर डायोड शुड बी इन ब्रेकडाउन रीजन एंड बीजेटी शुड बी इन एक्टिव रीजन। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, सिंपल सा। अब बाद में हर क्वेश्चन अपने आप में ऑब्जेक्टिव है, आप हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए बस। अब जब अगर एक बात ध्यान दीजिए, ये ब्रेकडाउन में है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कॉन्स्टेंट वीजेड,
और जब यहां ये एक्टिव रीजन में है तो प्लस माइनस वी बी ई। अब ये वी जेड है और ये वी बी ई, तो यहां से जाके यहां तक आप केवीएल लगाओ, क्या होगा केवीएल बोलिए, राइट। यहां से जाइए और यहां से जाके आप केवीएल लगाओ के पॉइंट, ठीक है ना। तो आप केवीएल लगा सकते हो, क्या दिख रहा है बताइए यहां पे केवीएल। चलिए केवीएल लगाते हैं और बात करते हैं, तो हमको दिखाई देगा वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट इज इक्वल टू वी बी ई वी जेड माइनस वी बी ई, दिख रहा है, लगा लीजिए इतना तो हो ही जाएगा आपसे, वी जेड माइनस वी बी ई। अब पॉइंट देखते हैं जरा, वी जेड कॉन्स्टेंट क्योंकि जनरल डायोड ब्रेक डाउन है और वी बी कॉन्स्टेंट दैट इज द सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, तो वी जेड कॉन्स्टेंट वी बी कॉन्स्टेंट एंड दैट्स वाई वी नॉट विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रेगुलर रेगुलेटेड वोल्टेज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन आर एल इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन वी आई। अब पॉइंट देखते हैं क्या है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट यहां से जा रहा है आई, राइट, यहां से निकल गया आई आर, ध्यान दीजिएगा आई आर, यहां आ गया आई सी, यहां से ये आई आर जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अंदर चला गया आई बी, नीचे चला जाएगा आई जेड, और यहां से आया आई सी, यहां से आया आई बी, मिलके बन गया आई ई। व्हाट इज द आई ई, आई सी प्लस आई बी। तो यहां हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, हम फटाफट लिखते हैं व्हाट इज द आई आर। तो आई आर देखिए हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू वी आई माइनस वी जेड बाई आर, वी आई माइनस वी जेड बाई आर, और दिस आई आर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, आई जेड प्लस व्हाट आई बी। ओके, चूंकि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, तो हम एक्टिव रीजन का फॉर्मूला जानते हैं, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई सी ओ। नेग्लिजिबल करंट है आई सी ओ, दैट इज द रिवर्स सेचुरेशन करंट, नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन, माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम, नेग्लेक्टेड क्योंकि ये मिली एम्पियर में, तो उसको हटा दो वहां से, तो आपका आई सी इज इक्वल टू हो गया बीटा आई बी। तो आप बता सकते हैं व्हाट इज द आई ई, इट इज नथिंग बट लोड करंट आई एल, यही तो लोड करंट है, ये जा रहा है लोड, इज इक्वल टू व्हाट आई सी प्लस आई बी, आई सी की वैल्यू रखिए और आपको आई का फॉर्मूला मिल गया वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ व्हाट आई बी, वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो डेफिनेटली आई ई दैट इज द लोड करेंट इज कंट्रोल्ड बाई वॉट आई बी, लोड करेंट इज कंट्रोल्ड बाय आई बी, तो यह है आई बी से कंट्रोल्ड हो रहा है। ओके, और आप आउटपुट कहां से ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप आउटपुट किस टर्मिनल से ले रहे हैं, एमीटर टर्मिनल से आप आउटपुट बाहर ले रहे हैं, राइट। तो यह हुआ आई आर निकालने का तरीका। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप आई आर निकालिए, वी आई माइनस वी जेड बाई आर, इज इट क्लियर। उसके बाद आप आई आर को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, आई जेड एंड आई बी, उसके बाद आप आई ई निकाल लो, आई इज इक्वल टू वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। क्वेश्चन क्या पूछता है वो मैं पहले आपको बता दूं, आपसे पूछेगा पावर डिसिपेशन, वी सी ई निकालिए पहले और फिर निकालेंगे पावर डिसिपेशन अक्रॉस ट्रांजिस्टर एंड पावर डिसिपेशन अक्रॉस जनर डायोड। तो ये दो मेन क्वेश्चन है, तो हम निकालते हैं पावर डिसिपेशन, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द जेनर डायोड वी जेड इंटू आई जेड। नोट करते जाओ, मैंने वर्ड बोल दिया जेनर डायोड, अब आप यहां नहीं लिखा है, बाद में आप इसे स्क्रीनशॉट निकालोगे फिर बोलोगे पी जेड क्या है, पी जेड, जेड इज व्हाट जेनर डायोड, व्हाट इज द पी टी, टी फॉर ट्रांजिस्टर, वी सी ई इंटू आई सी, दिस इज द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, व्हाट इज द वी सी ई, तो ध्यान दीजिएगा यहां से लेकर यहां तक वी सी है, तो यहां का वोल्टेज है ना जो वी आई है, ये देखो वी आई, और यहां का वोल्टेज है वी नॉट, ये देखो वी नॉट शॉर्टकट, यहां से लाओगे तो यहां आपको दिखाई देगा वी नॉट, यहां दिखाई देगा वी आई, तो व्हाट इज द वी सी ई,
VIE minus V0, that is nothing but unregulated voltage minus regulated voltage. इसका मतलब अगर आप URV मतलब unregulated voltage बढ़ेगा, मतलब क्या बढ़ेगा? VCE बढ़ेगा. क्यों? V0 is constant. Since V0 is constant. इसका मतलब जैसे जैसे आप VRV बढ़ाओगे तो जितना भी एक्सेस वोल्टेज आएगा ना वो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा. ये है सीरीज एलिमेंट, राइट. और जैसे कि हम लोग ट्रांजिस्टर में देखते थे, जितना भी आप VI बढ़ाओगे तो V0 विल रिमेन कांस्टेंट. तो पूरा का पूरा वोल्टेज किसके अक्रॉस आ रहा था? सीरीज एलिमेंट RS के अक्रॉस. यस भाई, अगर यहाँ 50 है और यहाँ 20 है, 20 कॉन्स्टेंट है 20 वोल्ट, तो 50 माइनस 20 इज वॉट? 30 वोल्ट. 30 वोल्ट इज अक्रॉस वॉट? RS, सीरीज एलिमेंट. तो पूरा इसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन बढ़ता जाएगा, लेकिन ट्रांजिस्टर की पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वॉट? नॉर्मल डायोड्स. डेट्स वाई हमने यहाँ पे लगाया है इसे. अब पॉइंट देखिए, दिस सर्किट, ये तो बन गया. आपको इतने न्यूमेरिकल बनाने पड़ेंगे, पावर डिसिपेशन निकालना होगा, PT, VC, IC, और यहाँ से हमको बनाना होगा VI URV माइनस RV एंड VC V0 इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट. अब पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, यहां देखिएगा. जस्ट छोटे से मैं बात बता रहा हूं, बहुत ही डिटेल टॉपिक है, अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास चल रही है, राइट. उतना अगर हम डिटेल में जाएंगे ना तो टाइमली कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. अभी हमारा काम है मेन क्या, गेट निकालना, इसरो का एग्जाम निकालना और ESC प्री निकालना. प्री के बाद जब मेंस में जाते हो या उसके बाद जस्ट तुरंत के बाद गेट का जो रिजल्ट आएगा, तो गेट का रिजल्ट का वेट मत करना, इसरो के रिजल्ट का वेट मत करना, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना. कंटिन्यू करते रहोगे, अचानक से आपके कॉल आ जाएगी और आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. और फिर एक दिन में आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो सकती ना, एक दिन में नहीं है. हम भी बिना उसके किसी नोट्स वोट्स के, बिना उसके पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग कोई भगवान नहीं है, राइट. क्या है, आप देख रहे हो बार बार कितनी बार हम लोग चीख चीख कर बुलाते हैं, आई हैव 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो ये बात बताने के लिए, कॉन्फिडेंस बताने के लिए आपको, तो वो क्या है, बार 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 प्रैक्टिस करने से आपको आएगा. तो तुरंत आप देखिएगा, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है. तो अभी बस ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आप VI बढ़ाओगे, पॉइंट सुनिएगा, जैसे जैसे आप VI बढ़ाओगे वैसे वैसे IR बढ़ेगा, क्योंकि व्हाट इज द IR? VI माइनस VZ बाई R. और जैसे जैसे IR बढ़ेगा तो आपका IB शुड रिमेन कांस्टेंट. तो जितना एक्स्ट्रा करंट है ना, सब IZ से निकल जाएगा. जितना भी एक्स्ट्रा करंट है IZ से निकल गया. और उस समय अगर IE कांस्टेंट है, मतलब IL कांस्टेंट है, IL कांस्टेंट है मतलब क्या, V0 शुड रिमेन कांस्टेंट. तो व्हाट इज द लाइन रेगुलेशन? लाइन रेगुलेशन, मैंने बोला था VI वेरी करता है, बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे, RL कांस्टेंट है. और हमें किसे कांस्टेंट रखना है? IL को कांस्टेंट रखना है ताकि प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट. तो इस डायग्राम में देखिएगा जरा, आपने यहां VI को बढ़ाया, IB, IZ, R. जैसे ही आपने VI को बढ़ाया, ध्यान दीजिएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है VZ, इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है VB. और जब तक VB कांस्टेंट है, IB कांस्टेंट रहता है, उसके अक्रॉस कोई चेंज नहीं आएगा. अब क्या होगा देखिए, जैसे ही VI इंक्रीज करेगा, ये VI, यहां से IR बढ़ेगा. वाई? बिकॉज IR, जैसे कि मैंने पिछली बार लिखाया था, VI माइनस VZ बाई R, VI माइनस VZ बाई R, तो IR बढ़ेगा. IR बढ़ेगा तो पूरा एक्सेस करेंट IZ से निकल जाएगा, तो IZ इंक्रीज होगा, IB कांस्टेंट रहेगा. और IB अगर कांस्टेंट है, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है VB, IB अगर कांस्टेंट है, तो देयरफॉर IL इज इक्वल टू IE रिमेन कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज IE इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IB. इज इट क्लियर? ये हो गया पूरा जेनर डायोड एक्स्ट्रा करंट ले लिया, IB को कांस्टेंट रखा, इसलिए I0 भी कांस्टेंट है.
अब किसी का ध्यान जाता है सर अगर आप वी आई बढ़ा दोगे तो आई सी नहीं बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर वी आई बढ़ा रहे हो तो आई आर तो बढ़ रहा है तो सर आई सी क्यों नहीं बढ़ा। यही तो खास बात है, जब भी ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है आई सी एंड आई इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, आई बी, आई सी एंड आई इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, आई ई। अब जब आई बी चेंज नहीं हो रहा, जितना करंट था जेना डायोड से निकल गया तो आई बी कॉन्स्टेंट है तो आई सी और आई रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट कंट्रोल बाई वी आई, इट इज कंट्रोल बाई वॉट, आई बी। बीजेटी इज अ करेंट कंट्रोल डिवाइस, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड लाइन रेगुलेशन। फिर प्रॉब्लम वही आ गई, जितना वी आई बढ़ रहा है पूरा एक्सेस करंट किससे जा रहा है, जनरल डायोड से, कोई उसकी मदद ही नहीं कर रहा है, बीजेटी को कोई फर्क ही नहीं, बीजेटी ने मना कर दिया, देखो आई बी कॉन्स्टेंट है तो आई सी कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट। अरे भाई जनरल डायोड बोल रहा है, अभी तो देखे थे लिमिटेशन, एक लिमिट से ज्यादा मेरे अक्रॉस क्या करंट का वेरिएशन मत कराओ, या तो मैं ब्रेकडाउन से बाहर आ जाऊंगा या जल जाऊंगा। इसका मतलब दिस सर्किट इज ऑल्सो नॉट प्रेफरेबल फॉर हाई लाइन वेरिएशन, क्योंकि पूरा का पूरा जनरल डायोड को झेलना पड़ रहा है यहाँ, not preferable for high line variation, okay? ये इसके बारे में। और अब आप वापस देखोगे सर्किट को, अगर लोड वैरी कर रहा है, लोड रेगुलेशन, तो आर एल वैरी कर रहा है, वी आई कॉन्स्टेंट है, आर एल वैरी कर रहा है एंड वॉट, वी आई कॉन्स्टेंट है, उस केस में आप सर्किट फिर से देख लीजिए, ये वैरी कर रहा है, यहां से आई जा रहा है, That is nothing but आई एल और दिस इज वॉट आई बी, यहां से लगा हुआ है आर, राइट, दिस इज आर, यह है आर। अब पॉइंट देखिए क्या होगा, जैसे ही आर एल वैरी करेगा आई एल कम हो जाएगा, क्यों कम होगा भाई, क्यों कम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, प्लस माइनस वी बी, प्लस माइनस व्हाट, वी जेड, तो वी नॉट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वी नॉट इज व्हाट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, हल्का फुल्का चेंज होगा, ज्यादा नहीं, वी बी माइनस, सॉरी मैंने बताया था वी जेड माइनस वी बी, वी जेड माइनस व्हाट, वी बी। तो यहां देखते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दोनों में वेरिएशन है, लेकिन ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एकदम ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों में नहीं जाना है हमें, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसीलिए जैसे ही आरएल बढ़ा तो आई और आईएल कम होना चाहिए, और अगर आरएल कम हो रहा है तो आई और आरएल को, आईएल को बढ़ना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट क्या रहे, कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, चूंकि वी आई कॉन्स्टेंट है इसलिए आई आर कॉन्स्टेंट है, वॉट इज द आई आर, वी आई माइनस वी जेड बाई आर, ये कॉन्स्टेंट है, वाई, बिकॉज इस वेरिएशन में आप मान लेते हो वी आई कॉन्स्टेंट तो आई आर कॉन्स्टेंट। अब एक बात बताइएगा, जरा एक बात बताना, अगर आपने आर एल को वैरी किया तो आई चेंज हुआ, आई चेंज होगा तो आई बी चेंज होगा, डेफिनेटली एक दूसरे से रिलेटेड है, व्हाट इज द आई इज इक्वल टू वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी, तो देखिए व्हाट इज द आई बी इज इक्वल टू आई अपॉन वन प्लस बीटा, तो व्हाट इज द डेल आई बी इज इक्वल टू, चेंज इन आई बी इज नथिंग बट चेंज इन आई डिवाइडेड बाई वन प्लस बीटा, राइट, और व्हाट इज द आई आर, आई आर इज इक्वल टू आई बी प्लस आई जेड, चूंकि आई आर कॉन्स्टेंट है तो मैं इसे लिखूंगा जीरो इज इक्वल टू डेल आई बी प्लस डेल आई जेड इज इक्वल टू डेल आई जेड इज इक्वल टू वॉट, माइनस डेल आई बी, डेल आई बी,
अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, बस कंसेप्चुअल चीज लास्ट आपको क्लियर होने वाली, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही आपने आरएल को बहुत ज्यादा वेरिएशन दिया, बहुत ज्यादा लोड को, वैसे ही आईएल में बहुत ज्यादा वेरिएशन आया, नो डाउट आईएल में वेरिएशन आया, इसका मतलब आईई में वेरिएशन आया, लेकिन आईबी में कितना आया, 1+β से डिवाइड कर दीजिए इसे, 1+β से डिवाइड कर दो और बीटा को ले लो 99, तो अगर बीटा 99 है तो व्हाट इज द वेरिएशन इन आईबी, दिस इज द वेरिएशन इन आईबी इज इक्वल टू वेरिएशन इन आई डिवाइडेड बाय 100, तो सीधा सीधा आईबी में जो वेरिएशन आएगा दैट्स 100 टाइम्स लेस, और उतना ही वेरिएशन किस में आएगा, जेनर डायोड में आएगा, माइनस डेल आईबी, ओके। तो जेनर डायोड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए आप यहां पे बहुत लार्ज वेरिएशन ले आओ, संभाल जेनर डायोड ही रहे, जितना भी एक्सेस करंट है वो यहां से निकल रहा है, अल्टीमेटली उसको कंट्रोल करना है, लेकिन आईएल के वेरिएशन का इफेक्ट कितना आया जेनर डायोड में, दैट्स वेरी स्मॉल, ओके। और जेनर डायोड की उतनी कैपेसिटी है, ओके और इस तरीके से आउटपुट भी कॉन्स्टेंट हो गया और हाई लोड वेरिएशन भी आप अचीव कर सकते हो। तो आप देखेगा इसका हाई लोड वेरिएशन 1+β फैक्टर से बढ़ गया, किस फैक्टर से बढ़ गया, 1+β फैक्टर से इंक्रीज हो गया। इतना लोड वेरिएशन आने के बावजूद भी जेनर डायोड जो कि मेन कंपोनेंट है उसके क्रॉस वेरिएशन आ रहा है डेल आईबी के बराबर, और डेल आईबी है ओनली डेल आई डिवाइडेड बाय व्हाट, 1+β, बहुत कम हो जाता है वेरिएशन, इतना जेनर डायोड झेल सकता है, ठीक है। आया ट्रांजिस्टर का रोल समझ में, ट्रांजिस्टर के कारण ही तो 1+β फैक्टर आया है, हाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब है जब आई बी डिक्रीज होगा आई जेड इंक्रीज होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और जब आई बी इंक्रीज होगा तो आई जेड डिक्रीज होगा, आई जेड है, एंड दिस इज हो गया इसके बारे में। नाउ दिस सर्किट इज नॉट प्रिफरेबल फॉर हाई लाइन वेरिएशन बट प्रिफरेबल फॉर High load variation. Okay. Preferable for high load variation. अब इतना हो गया, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमने देखा था जनर, इस पर बनाएंगे जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है, ये सब आप क्वेश्चन बना के रखिएगा। ये है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से क्वेश्चन, राइट? तो देखते हैं जरा, फिर हम कल देखेंगे शंट वोल्टेज रेगुलेटर। अब आपको माहौल समझ में आ गया होगा, शंट वोल्टेज रेगुलेटर पहला जो हमने देखा ना जेनर डायोड के थ्रू, उसमें दोनों प्रॉब्लम थी, दैट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर हाई लोड वेरिएशन एज वेल एज हाई लाइन वेरिएशन। अभी जो हमने बनाया ये सीरीज, इट इज प्रेफरेबल फॉर व्हाट, हाई लोड वेरिएशन, बट इट इज नॉट प्रेफरेबल फॉर व्हाट, हाई लाइन वेरिएशन, क्योंकि लाइन वेरिएशन करने से पूरा एक्सेस करंट किससे जाता है, जेनर डायोड से। लोड वेरिएशन करने से जेनर डायोड से करंट जो जाता है वो बहुत 1+β टाइम्स कम हो जाता है, क्योंकि आउटपुट को तो मेंटेन रखना है ना कांस्टेंट, तो एक्स्ट्रा जो करंट होता है वो क्यों, कौन बियर करेगा, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड और आईबी और जेनर डायोड का चेंज बराबर है, लेकिन जो आईबी का चेंज था वो 1+β टाइम्स कम था। ये तो समझ आ गई। ये सब क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में या आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स 2 मार्क्स या इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट प्रेफरेबल है या कौन कौन से पॉइंट सही है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, तो वो भी आएगा। अब देखिए इसमें 30 वोल्ट आरएल, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, मैंने कहा है तीन ब्रांच को कवर करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, उनके बेस्ट क्वेश्चन हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द ट्रांजिस्टर हैज बीटा इक्वल टू 40, राइट? तो आप लिखते चले जाइए, बीटा इज इक्वल टू 40, वीबी इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड इज 15 वोल्ट, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड इज 15 वोल्ट, द करंट इन मिली एम्पियर थ्रू द जेनर डायोड इज, करंट थ्रू द मिली एम्पियर इन अ जेनर डायोड इज, मतलब यहां से जा रहा है जेनर डायोड से कितना करंट जाना चाहिए, राइट? या 15 वोल्ट है या 30 वोल्ट है, डेफिनेटली यहां कितना लगा हुआ है, 0.7 वोल्ट। इट मींस अगर वीबीई की वैल्यू 0.7 वोल्ट दी हुई है, इसका मतलब बीजेटी इज इन एक्टिव रीजन, और ये ध्यान दीजिए ये 30 वोल्ट सफिशियंट है इसको ब्रेकडाउन में रखने के लिए, क्योंकि देख रहे हो 15 वोल्ट चाहिए कि ये ब्रेकडाउन में, और बीजेटी किस में है, एक्टिव रीजन में है,
और 0.7 दिया हुआ है, मतलब सिलिकॉन बीजेटी है। और अगर ये एक्टिव रीजन में है तो हमें मालूम है आई ई दैट इज नथिंग बट लोड करेंट इज इक्वल टू 1 बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? 40। तो व्हाट इज द आई ई और आई एल? 41 टाइम्स ऑफ व्हाट? आई बी। 41 टाइम्स ऑफ आई बी। अब आप आई ई निकाल सकते हो, देखिए कैसे। और आई एल, आई एल और आई एक ही चीज है। वी नॉट, रेगुलेटेड वोल्टेज फिक्स है। रेगुलेटेड वोल्टेज क्या हो गया? वी जेड माइनस वी बी। तो व्हाट इज द वी नॉट? वी जेड माइनस वी बी ई। तो व्हाट इज द वी जेड? 15 माइनस 0.7 दैट इज इक्वल टू 14.3 वोल्ट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है रेगुलेटेड वोल्टेज क्या है, तो 15 माइनस 0.7 दैट इज द 14.3, आप तुरंत बता सकते हो केवीएल लगाकर, ये दिस माइनस दिस ये आ गया 14.3 वोल्ट। 14 टाइम 3 वोल्ट है, तो बताइए व्हाट इज द आई ई? आई ई इज इक्वल टू 14.3 वोल्ट है डिवाइडेड बाय आर एल। व्हाट इज द आर एल? 100 ओम। 100 ओम क्वेश्चन किस में पूछा है भैया? मिली एम्पियर। तो करंट इन मिली एम्पियर, तो रजिस्टर शुड बी इन किलो ओम। तो इसको किलो ओम में बदलो, 0.1 किलो ओम, डिवाइड कीजिए 0.1 किलो ओम, तो ये आ गया 143 मिली एम्पियर। ठीक है ना, किलो ओम है तो 143 मिली एम्पियर। दिस इज द लोड करंट। तो आप बता सकते हो व्हाट इज द आई बी? तो आई बी हम बता सकते हैं, यहां हम थोड़ा सा अगले पेज में ले लेते हैं, इसे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए हमें। ये था क्वेश्चन आपका, यहां से आएगा आई आर, यहां चला गया है आई बी, यहां आ गया है आई जेड, ये दिया हुआ है 15 वोल्ट और ये दिया हुआ था माइनस प्लस 0.7 वोल्ट। और हमने वी नॉट निकाल लिया है और आई निकाल लिया है, आई आ चुका है 143 मिली एम्पियर। तो बताइए व्हाट इज द आई बी? 143 डिवाइडेड बाय 41, यहां से हम निकाल सकते हैं आई बी। अगर निकालते हैं, कैलकुलेशन आप भी कर लीजिए, कैलकुलेटर रखा होगा आपने, राइट। देन आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 330 ओम। तो 330 मतलब 0.33 किलो ओम, 0.33 किलो ओम दिया ना, 330 ओम। अब बताइए व्हाट इज द आई आर? यहां का वोल्टेज 15 वोल्ट है, यहां का वोल्टेज 30 है, 30 एंड 15, तो व्हाट इज द आई आर? आई आर इज इक्वल टू 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाई वॉट? 0.33, दैट इज नथिंग बट 15 डिवाइडेड बाई 0.33। आप चाहो तो उसे 10/3 लिख सकते हो, राइट। आप 10/3 लिखोगे तो फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चलिए आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर यूज कर ही रहे हो। अब मेरे पास बताइए आई बी है, मेरे पास आई आर है, तो वॉट इज द आई जेड? हम जानते हैं आई आर इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई बी। तो व्हाट इज द आई जेड? इज इक्वल टू आई आर माइनस आई बी, 15 डिवाइडेड बाई 0.33 माइनस 143 डिवाइडेड बाई 41। आप निकाल सकते हो आई जेड, 15 डिवाइडेड बाई 0.33, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? आई आर, एंड दैट इज 143 बाई 41। प्लीज चेक, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, आप भी शायद कैलकुलेटर लेकर बैठे होंगे, डेफिनेटली। तो हम देख लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 0.33, राइट, इसकी वैल्यू आ गई 45.45 माइनस 143 डिवाइडेड बाय 41, इसकी वैल्यू आ गई 3.49 अप्रॉक्सीमेटली, और आप देख सकते हो माइनस 41.96 मिली एम्पियर, दैट इज द 42, नियरली इक्वल टू 42 मिली एम्पियर, एंड दैट इज द वैल्यू, राइट। तो ये है, आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, मेन है कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, मेन है कंसेप्ट। और जेनर डायोड से अगर करंट
आ रहा है तो आपको अगर मान लो क्वेश्चन में बोल देता पावर डिसिपेशन निकालो तो पावर डिसिपेशन इज नथिंग बट वी जेड इंटू आई जेड उससे आप निकाल सकते थे पावर डिसिपेशन। अगर आपको ट्रांजिस्टर के क्रॉस पावर डिसिपेशन निकालने बोल दे इस क्वेश्चन में तो यहां से आप निकालना होगा वीसीई। एंड व्हाट इज द वीसीई, ध्यान दीजिएगा 30 माइनस वी नॉट, वी नॉट ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया था, ये रहा वी नॉट, वी जेड माइनस वी बी दैट इज नथिंग बट 14.3 वोल्ट, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका आ गया ये 14.3 वोल्ट, यहां आ गया 30 वोल्ट प्लस माइनस, गेट द वैल्यू ऑफ वीसीई। और आपके पास आई बी है, आपके पास आई बी है ना, आई से आपने निकाला है आई बी ये, तो आप आई सी निकाल सकते हो, व्हाट इज द आई सी बीटा आई बी, व्हाट इज द वी सी ई 30 माइनस 14.3, वी सी आ गया आई सी आ गया, तो व्हाट इज द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, वी सी ई इंटू आई सी, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द जनरेटर डायोड। ध्यान रखना है, आपके कमेंट्स आने चाहिए। एंड दिस इज अबाउट सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम शंट वोल्टेज रेगुलेटर, और हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग जेनर डायोड, बीजेटी एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और उस पर हम बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस। ये है शंट वोल्टेज रेगुलेटर, यस, रोल समझेंगे, आरबी का क्या रोल है, जेनर डायोड का क्या रोल है, रेगुलेशन पर भी क्वेश्चन बनाएंगे। ये है क्वेश्चन फ्रॉम दैट इज यूज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, समझेंगे वहां, हम थोड़ा देखेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी है क्वेश्चन, तो कल की क्लास का इंतजार कीजिए और लाइव क्लास अटेंड करने की कोशिश कीजिए। कुछ दिनों में आप मेरे साथ कमेंट्स कर पाओगे, हो सकता है मैं कल ही आपके कमेंट्स का जवाब देना स्टार्ट करूं, राइट। तो आपका फीडबैक दीजिए, क्लास कैसी लगी, और आप क्या चाहते हैं, और आपको कोई भी डाउट्स है तो भी वहां आप कमेंट्स कर सकते हैं। हिट कीजिए बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, और अगर चैनल पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, राइट, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और यूज कीजिए माय कोड राठी लाइव एंड गेट द 10% डिस्काउंट, और अपना unacademy.com पर रजिस्ट्रेशन करवाइए फॉर स्पेशल क्लासेस, एंड दीज क्लासेस आर टोटली फ्री, दीज आर द डेमो क्लासेस, ओके। आप अटेंड कीजिए और प्लेटफॉर्म को समझिए, और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड डे, गुड लक।